press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन टू HVC सिंप्लीफाइड, द ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है HVAC इक्विपमेंट स्केड्यूल फॉर एयर हैंडलिंग यूनिट एंड एयर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट। आज हम देखेंगे एक HVAC इक्विपमेंट स्केड्यूल के टेक्निकल पैरामीटर्स क्या होते हैं जब आपको किसी भी DX टाइप एयर हैंडलिंग यूनिट और एयर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट को बनाना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एयर हैंडलिंग यूनिट स्केड्यूल DX टाइप। एयर हैंडलिंग यूनिट के इक्विपमेंट स्केड्यूल के मेजर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं टैग नंबर, एरिया सर्व्ड, क्वांटिटी, लोकेशन, टोटल कूलिंग कैपेसिटी, टोटल सेंसिबल कैपेसिटी, एयर एंटरिंग टेम्परेचर, एयर लीविंग टेम्परेचर जो कि ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब में कंसिडर किया जाता है, सप्लाई एयर फ्लो, आउटडोर एयर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, फैन टाइप। इलेक्ट्रिकल पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है पावर किलोवाट, वोल्ट, फेज एंड हर्ट्ज। फिल्टर में होते हैं प्री फिल्टर एंड फाइनल फिल्टर जो कि एफिशिएंसी में इन्हें कंसीडर किया जाता है यानी मेजर किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जहाँ पर हमने टैग नंबर 1A एंड 1B दिया हुआ है। ये एक बिल्डिंग के अंदर है, इन दोनों की क्वान्टिटी 1 है। लोकेशन ग्राउंड फ्लोर मैकेनिकल रूम। जी हाँ, एयर हैंडलिंग यूनिट को एक कन्फाइंड स्पेस में यानी कि एक रूम में इंस्टॉल किया जाता है जैसे कि मैकेनिकल रूम यूजुअली इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। कूलिंग कॉइल डाटा में होते हैं टोटल कूलिंग कैपेसिटी एंड टोटल सेंसिबल कैपेसिटी, यहाँ पर वाट्स में हमने ली हुई है। ये आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था पैकेज यूनिट की वीडियोज़ में, ये आपकी HVAC लोड कैलकुलेशन अनुसार इसे मेजर किया जाता है। उसी प्रकार से कूलिंग कॉइल डाटा, एयर एंटरिंग टेम्परेचर और एयर लीविंग टेम्परेचर, जो कि कॉइल एंटरिंग एंड कॉइल लीविंग टेम्परेचर होती है कूलिंग कॉइल सिलेक्शन के लिए, सप्लाई एयर फ्लो एंड आउटडोर एयर फ्लो। सप्लाई एयर जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक जोन का टोटल सप्लाई एयर रिक्वायरमेंट होता है। आउटडोर एयर यानी फ्रेश एयर रिक्वायरमेंट और बिल्डिंग प्रेशराइजेशन रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर हम यहाँ पर फैन का कंसिडर करते हैं ब्लोअर के लिए। फैन टाइप यहाँ पर मैंने लिया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल बैकवर्ड कप फैन। उसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डाटा में आप देख सकते हैं पावर किलोवाट 25 किलोवाट जो कि फैन मोटर की पावर किलोवाट रिक्वायरमेंट होती है, वोल्ट्स 400, 3 एंड 60 हर्ट्ज। फिल्टर्स प्री फिल्टर फाइनल फिल्टर जहाँ पर मिनिमम एफिशिएंसी इनकी 30% फॉर प्री फिल्टर एंड 95% फॉर फाइनल फिल्टर ली जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे एयर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट स्केड्यूल। ACCU स्केड्यूल के इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं सेम इसी प्रकार से टैग नंबर, लोकेशन, क्वांटिटी, टोटल कूलिंग कैपेसिटी, एयर आउटडोर टेम्परेचर, सेचुरेशन सेक्शन टेम्परेचर, टोटल पावर इनपुट, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई, कंडेंसर डाटा एंड कंप्रेसर डाटा। आइए यहाँ देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लोकेशन इसकी आउटसाइड द बिल्डिंग। एयर कूल्ड कंडेंसिंग यूनिट आपके डिज़ाइन अनुसार बिल्डिंग के बाहर या रूफ के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है एज़ पर द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट। एयर आउटडोर टेम्परेचर यहाँ पर हमने डिज़ाइन के प्रकार से 45 डिग्री सेंटीग्रेड ली हुई है। सेचुरेशन सेक्शन टेम्परेचर ये आपके रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर होता है। टोटल पावर इनपुट यानी आपका